आगे चलते रहे भाई, आगे चल। केजरीवाल नौटंकी बंद करो, केजरीवाल नौटंकी बंद करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।
केजरीवाल नौटंकी बंद करे, केजरीवाल नौटंकी बंद करे, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल नौटंकी बंद करे, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल सू मरे, अध्यक्ष जी संघर्ष करे, दिल्ली से आई आवाज अध्यक्ष जी संघर्ष करे, केजरीवाल सू मरे, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल भारत माता की। जो भी मेरे भाई और कार्यकर्ता खड़े हैं और जो पीछे हैं, सबसे निवेदन है कि सामने आ जाएं।
मैं दो नारे दूंगा, आपको जोरदार ढंग से उसका प्रत्युत्तर दे रहा है। केजरीवाल नौटंकी बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल नौटंकी बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीजल पर वेट कम करो, बंद करो, बंद करो। डीजल पर वेट कम करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता साथियों, इस दिल्ली की सरकार को जगाने के लिए आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। हमारे आज के इस मार्च का नेतृत्व करने के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी हमारे बीच हैं। विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर विधूड़ी जी हमारे बीच हैं। पार्टी के महामंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बीच हैं। हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई वासु रुखड़ जी हमारे बीच हैं। हम दिल्ली की सरकार से ये मांग करते हैं, पूरे देश के अंदर जितना वेट दिल्ली में लगाया गया है किसी भी राज्य में इतना वेट नहीं है, इस वेट को कम करके दिल्ली की गरीब जनता को राहत मुख्यमंत्री तुरंत दे, इस मांग के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर विधूड़ी जी से कि वो हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय रामवीर जी, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और हम सभी के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री जयवीर राणा जी, किसान मोर्चा के सम्मानित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, दिल्ली प्रदेश युवा भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री रुखड़ वासु जी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज किसान मोर्चा और युवा मोर्चा की ओर से शानदार जो प्रदर्शन आयोजित किया गया है, मैं विधायक दल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि आपको बोलना है, मैं इतना जरूर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में जब इस देश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री अरुण जेटली जी थे, तब उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर 5-5 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से कम किया था और सभी राज्य सरकारों से उन्होंने अपील की थी कि सभी राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर 5-5 रुपये लीटर के हिसाब से टैक्स कम करें। सभी राज्य सरकारों ने उस समय के वित्त मंत्री आदरणीय श्री अरुण जेटली के आदेश का पालन किया, लेकिन एक अकेली दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की निकम्मी और नालायक सरकार थी जिसने 5 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए डीजल पर कम नहीं किए, वायदा करके कमिटमेंट करके कम नहीं किए। और अब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीजल पर 10 रुपया और पेट्रोल पर 5 रुपया कम किए हैं, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डीजल पर जो है 10 रुपए के हिसाब से दाम कम नहीं किए हैं। हमारे किसानों की ओर से, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से निरंतर पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर भी यह दबाव बनाया जा रहा था कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल की सरकार को डीजल पर 10 रुपया पर लीटर के हिसाब से नहीं, 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो अभी जो उसने वायदा किया था
और 5 रुपया जो 2018 में उसने टैक्स कम नहीं किया, तो 1 लीटर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार का 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स कम करे। आज हम ये मांग करने के लिए अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन या ये मांग करने के लिए आज बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। और जब तक 15 रुपए पर लीटर के हिसाब से डीजल पर दाम कम नहीं हो जाएंगे, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में अपने इस आंदोलन और संघर्ष को जारी रखेंगे। पिछले 1 सप्ताह से यह आंदोलन जारी है, 1 दिन का स्पेशल सेशन हुआ था, बीजेपी के सभी विधायकों ने जोरदार तरीके से पेट्रोल और डीजल पर अरविंद केजरीवाल की सरकार टैक्स कम करे ये मुद्दा उठाया था। और उसी का नतीजा था कि 10 रुपया डीजल पर अरविंद केजरीवाल की सरकार टैक्स कम करने के लिए मजबूर हुई, लेकिन डीजल पर 15 रुपया पर लीटर के हिसाब से टैक्स कम नहीं किया है। और जब तक ये कम नहीं हो जाता है, श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में आंदोलन जारी रहेगा। आज गली गली में शराब के ठेके खोलकर दिल्ली को जो बर्बाद करने की, युवाओं को बर्बाद करने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रची है, और इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ है, 3000 शराब की दुकान और शराब के अड्डे गली गली में खोलकर जो हजारों करोड़ रुपया इनकी जेब में गया है, उस मामले को भी हम श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में उस लड़ाई को भी लड़ेंगे और दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने दुनिया की आज दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनवा दिया है। ये बात WHO ने भी कही है, ये बात देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन के ऊपर बर्बाद किया जा रहा है, दिल्ली में विकास के कार्य बंद पड़े हैं, ना कोई स्कूल खोला जा रहा है, ना कोई कॉलेज खोला जा रहा है, ना कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना कोई फ्लाईओवर बना, ना कोई अंडरपास बना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है, दिल्ली छोड़कर लोग भाग रहे हैं, 54,000 लोग प्रदूषण से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई है, ये सरकार की रिपोर्ट है। हम आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में डीजल के दाम कम किए जाएं इस मुद्दे को लेकर भी लड़ाई लड़ेंगे। जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर भी हम उनकी लीडरशिप में शानदार तरीके से अरविंद केजरीवाल तेरी सरकार की छाती पर चढ़कर हम अपनी लड़ाई को, अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इस शानदार आयोजन के लिए, प्रदर्शन के लिए एक बार पार्टी के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामवीर भिदोड़ी जी। एक बार नारे लगाएंगे केजरी, मैं बोलूंगा डीजल के दाम कम करो, आप बोलेंगे 2 बार कम करो कम करो। डीजल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो। केजरीवाल, केजरीवाल। मित्रों, बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर किया है। जब से मोदी सरकार ने डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए पूरे देश में टैक्स के रूप में कम किया है, तभी जितनी राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलती हैं, सब उन सब राज्य सरकारों ने डीजल और पेट्रोल पर दाम कम किया था। केजरीवाल सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, उनके नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन किए, जिसके कारण से केजरीवाल सरकार को मजबूरन पेट्रोल पर दाम कम करने पड़े, लेकिन डीजल पर भी दाम और टैक्स कम होना चाहिए। इस बात को लेकर के पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है, जारी रहेगा। आज के इस प्रदर्शन को नेतृत्व दे रहे हमारे बहुत संघर्षशील यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा
हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें आदरणीय आदेश जी। भारत माता की जय। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और डीजल में वैट कम करके डीजल के दामों को कम करके दिल्ली की जनता को राहत प्रदान करने की मांग को लेकर आज जो ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो रखा गया है, इस प्रदर्शन में दिल्ली में विधानसभा पर, विधानसभा के पटल के अंदर और सदन के बाहर दिल्ली की जनता को संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ने वाले ऐसे हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह भिदुड़ी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयवीर राणा जी और हमारे युवा मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष श्री वासु रुक्खड़ जी, किसान मोर्चा के संघर्षशील अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी और यहाँ उपस्थित हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता साथियों, भाई और बहनों, ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोई पहला संघर्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीतियों जो केजरीवाल सरकार ने पिछले एक साल डेढ़ साल से लगातार वो दिल्ली के अंदर जन विरोधी नीतियों को ला रहे हैं, वो चाहे दिल्ली के अंदर नई शराब की नीति हो, दिल्ली के अंदर 850 शराब की दुकानें खोलकर दिल्ली का माहौल और दिल्ली का व्यवस्था को खराब करने का काम जो केजरीवाल सरकार कर रही है, उसके खिलाफ भी संघर्ष की अगुवाई अगर कोई कर रहा है तो आप और हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी कर रहे हैं। और आज ये बहुत ही जनहित का मुद्दा है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे मोदी जी महंगाई को कम कीजिए, बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल 100 रुपए पार हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर एक संवेदनशील प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि हम पूरे देश के अंदर 10 रुपए डीजल पर और 5 रुपए पेट्रोल में कमी की घोषणा कर दी पूरे देश में, कई सरकारों ने, प्रदेश की कई सरकारें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां उन्होंने सबसे पहले उस कदम का स्वागत किया और सुर में सुर मिलाते हुए, कदम ताल में मिलाते हुए उन्होंने अपने राज्यों में वैट की कमी की। और केजरीवाल साहब जिन्होंने सबसे पहले प्रश्न उठाया था वो चुपचाप हो गए, मुंह बंद कर लिया। उत्तराखंड में जा रहे हैं 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता की झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, पंजाब में गए 1,000 रुपए महिलाओं को भत्ता देने की झूठी घोषणा कर दी, अभी कल गोवा में जाकर भी वही घोषणा को दोहरा दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की लोगों की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। उन्हें पता है जब हम दोबारा से इधर आएंगे और झूठी घोषणाएं करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं और आपकी ताकत के माध्यम से, दिल्ली की जनता की ताकत के माध्यम से
केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये झूठ बोलने वालों की सरकार, और जो आपने झूठ बोलने में महारत हासिल की है, आज दिल्ली और देश की जनता वो जान चुकी है। आपकी झूठी घोषणाओं में आने वाली नहीं है, वो चाहे पंजाब की जनता हो, उत्तराखंड की हो, गोवा की हो या किसी भी राज्य की जनता हो, क्योंकि दिल्ली में वो जानते हैं कि आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। आपने प्रदूषण पर वादे पूरे नहीं किए, आपने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जितनी बातें की थी वो पूरे नहीं किए, आपने दिल्ली में यमुना जी के प्रदूषण पर जो 6 बार कहा कि हम यमुना जी में स्नान करा देंगे वो वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के जनता की हितों की लड़ाई लड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 दिनों से ये संघर्ष जारी रखे है कि दिल्ली सरकार डीजल पर वैट की कमी करे, और जब तक जैसा विदुड़ी जी ने कहा है कि 10 रुपए अभी वाला और 5 रुपए पिछला, 15 रुपए जब तक डीजल पर कम नहीं करती दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, तब तक भारतीय जनता पार्टी का ये संघर्ष जनता के हित के लिए, दिल्ली की सड़कों पर जनता को जागरूक करने के लिए और दिल्ली सरकार को जगाने के लिए जारी रहेगा। मैं दोस्तों कहना चाहता हूं, आप लोग सुबह से आकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, उनके भी परिवार हैं, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी के देशभक्त और समाज भक्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि वो अपने घर परिवार को छोड़कर दिल्ली की जनता के लिए सड़कों पर हैं, और सड़क पर हमारी लड़ाई ये तब तक जारी रहेगी जब तक दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार नई शराब की दुकानों की जो पॉलिसी बनाई है उसको वापस नहीं लेते हैं, केजरीवाल सरकार डीजल के दामों को जब तक कम नहीं करेगी दिल्ली के अंदर ये संघर्ष जारी रहेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है, इसलिए हम जितने कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, रोज नए कार्यकर्ता, कभी महिला मोर्चा, कभी एससी मोर्चा, कभी ओबीसी मोर्चा, हर मोर्चा आज मोर्चे पर है, ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जन विरोधी सरकार के खिलाफ एक आगाज है, और ये आगाज निश्चित रूप से सफल परिणाम में परिवर्तित होगा, इतना मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। निश्चित तौर पर एक माह के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि दिल्ली में छठ पूजा नहीं होगी, और जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने नेतृत्व किया तो यही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर छठ पूजा की अनुमति देनी पड़ी। दूसरा, पेट्रोल को लेकर अभी अध्यक्ष जी ने धरना दिया तो पेट्रोल पर दिल्ली की सरकार ने वैट घटाया है, और कार्यकर्ता साथियों आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, अध्यक्ष जी का ये संघर्ष भी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि दिल्ली की सरकार डीजल पर भी वैट को कम करेगी। आपके इस संघर्ष को बहुत बधाई है। अभी हम आगे चलेंगे, अध्यक्ष जी बैनर लेके आगे चलेंगे, सब कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे चलेंगे, सबसे आगे बैनर लेकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसका नेतृत्व करेंगे, माननीय रामवीर विधूड़ी जी, हर्ष मल्होत्रा जी हमारे मोर्चों के अध्यक्ष आगे चलेंगे, आप सब कार्यकर्ता पीछे चलेंगे, हम आगे की तरफ कूच करते हैं। भारत माता की। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, भारत माता की। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो।
भारत माता की जय जय हो। प्रत्येक की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी कार्यकर्ता देव जी के पीछे रहेंगे, अनुशासन से हम सब कार्यकर्ता इस आंदोलन का सफल बनाएंगे। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम अध्यक्ष जी से आगे नहीं, सब पीछे रहेंगे। अध्यक्ष जी कमी के लिए आंदोलन पिछले एक महीने से जारी रखा है, जब से केंद्र सरकार ने डीजल पर ₹5 और डीजल पर ₹10, पेट्रोल पर ₹5 की कमी की है। हमने मांग की कि केजरीवाल साहब आप ही कह रहे थे कि दिल्ली में महंगाई बहुत है, जब केंद्र सरकार ने अपने फर्ज को निभाया है और दिल्ली और देश के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, तो आपको जो वैट आप ले रहे हैं वो वैट कम कीजिए। उन्होंने पेट्रोल पर तो किया, लेकिन अफसोस डीजल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा भाड़ा के वाहनों में इस्तेमाल होता है, जिससे माल की ढुलाई होती है और महंगाई का असर सबसे ज्यादा डीजल की कीमतों के कारण पड़ता है, तो तुरंत डीजल पर ₹15 की कमी करें। पिछली बार ये इस बार का ₹10 और पिछली बार का ₹5 ये कमी करके दिल्ली की जनता को राहत प्रदान करें। केजरीवाल 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 दोनों पर घटा है, और डीजल तो ज्यादा इस्तेमाल होता है, माल की धुलाई के अंदर जो वाहन इस्तेमाल होते हैं वो डीजल से चलते हैं, और महंगाई का असर, महंगाई कम होगी तो डीजल के कम करने से होगी। तो दिल्ली सरकार ने आखिर ये पेट्रोल पर कम किया, डीजल पे क्यों नहीं कम किया? आप ही तो सबसे पहले प्रश्न उठाते थे, यही केजरीवाल साहब कहते थे कि मोदी जी महंगाई कम कीजिए, और आज जब आपकी बारी आ गई, जब आपको करना है तो आप चुप्पी साध गए। आप दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आप पंजाब में जाकर ₹1,000 महिलाओं को भत्ता देने की बात करें, दिल्ली की जनता ने क्या बिगाड़ा है? उत्तराखंड और गोवा जाकर करते हैं उसी तरह की घोषणाएं। यानी आप दिल्ली की जनता को ठेंगा दिखाकर, अंगूठा दिखाकर दूसरे राज्यों में अपनी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता जान गई है, देश की जनता जान गई कि दिल्ली में आपने घोषणाएं पूरी नहीं की। ये पार्टी का आंदोलन, जब तक डीजल में ₹15 वैट की कमी नहीं घोषणा करती दिल्ली सरकार, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहे। केजरीवाल शरम करो, शरम करो, शरम करो, केजरीवाल शरम करो, शरम करो, शरम करो, केजरीवाल शरम करो, शरम करो, शरम करो, और शरम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, केजरीवाल शरम करो, पर टैक्स कम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शरम करो, शरम करो, शरम करो, शरम करो, शरम करो, शरम करो, केजरीवाल शर्म करो।
दिल्ली में डीजल के कारण महंगे होने के कारण महंगाई है। आप 15 रुपए डीजल में वैट में कमी कीजिए और दिल्ली की जनता को राहत प्रदान करिए, दिल्ली की जनता को राहत प्रदान करिए और साफ तौर पर डीजल के दामों में अगर कमी होती है तो बहुत कम कार्यकर्ताओं से संवाद करूंगा।